हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है, और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, देखिए आज इतना सारा धूप है, इतना धूप कड़ा कड़ा हुआ है, देखिए बहुत सारा धूप निकला है, बहुत तेज़ धूप निकला है, सारा नहीं तेज निकला है। और हम बैठ के ये आंवला के पेड़ के छांव के नीचे ब्लॉगिंग बना रहे हैं, क्योंकि धूप में कहीं नहीं जा रहा है, और घर पे ही शोर शराबा बच्चे करते हैं तो सही से नहीं बनता है। तो इसीलिए हम शांत जगह आए हैं, फिर भी इधर चर्चा हो रहा है ना, तो उसका आवाज़ तो इसमें आ ही जाएगा। अब हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं ना दूर, क्योंकि हम अकेले कहाँ जाएंगे, एक दो आदमी रहता तो फिर चले जाते, कहीं बनाकर चले आते। अगर वैसे आप लोग कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, वैसा बन जाएंगे, थोड़ा बहुत हेल्प हमें मिल जाएगा, तो फिर हम जाएंगे, जिन मन करेगा जिधर उधर जा करके हम ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें पूरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, फिर हम आप लोग का बहुत ढेर सारा चीज़ दिखाएंगे। इधर घूम घूम कर हमारे गांव में ही बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हैं, पर हम इधर अभी निकलते नहीं हैं बाहर। यही प्रॉब्लम है, और इस समय धूप के बहुत ज़्यादा धूप तेज़ निकला है ना, तो गर्मी में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है हमें, ज़्यादा गर्मी लगता है, इसी वजह से थोड़ा छाँव हो जाता, ठंडा मौसम हो जाता, तो फिर हम लोग निकल के कहीं जाते बनाने। कहाँ जाएंगे देखिए आप, कुछ दूर में दिखता होगा आपको गाछ वृक्ष, इधर हमारा घर है। और इधर हम दिखा देते हैं आप लोगों को, जो उस समय हम आप लोगों को दिखाए हैं, ये देखिए हमारे कुनरी कितना अच्छा हुआ है, हरा भरा। और ये देखिए कुंदरू फड़ा हुआ दिख रहा है आप लोगों फ्रेंड, बताइए दोस्त, देखिए देखिए कितना सारा फड़ा हुआ है ना, ये देखिए इसमें आप लोगों को दिखेगा। और देखिए बहुत तेज़ धूप निकला है, ये देखिए हम परवल की खेती किए हैं ना, मक्की लगाए, मक्का, हम लोग यहाँ गांव में मकई बोलते हैं, कोई मक्का बोलते हैं, और बाहर की तरफ इसको छल्ली बोलते हैं, कितना लोग भुट्टा बोलते हैं, जहाँ के जैसी भाषा यूज करते हैं लोग। देखिए बहुत तेज़ धूप निकला है, प्लीज़ हमारे चैनल के आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा दुलार दीजिए। और मैं क्या बताऊँ, देख लीजिए धूप तो बहुत तेज़ निकला है, धूप में कुछ दिख नहीं रहा अच्छा से, क्योंकि हम आप लोग को दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और हम दिखा रहे हैं फ्रेंड, आप लोग को देखिए, ये क्या है, कढ़ी पत्ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है कढ़ी पत्ता, चूरा में, कढ़ी में, दाल में, हर चीज़ में डाल के इसको खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेहंदी का पेड़, हम लगाते हैं, और लगा करके हमारे हाथ अच्छी से लाल लाल हो जाता है, कहते हैं सावन में मेहंदी लगाना चाहिए, सावन में मेहंदी सैया का होता है, और भादों में मेहंदी लगाओ भैया का होता है, तो कहते हैं कि सावन में मेहंदी लगाना चाहिए, तो हम तो अभी नहीं लगाए हैं, लेकिन सोमवार को लगाएंगे,
क्योंकि उस दिन सोमवार ही है ना, सोमवार करेंगे, शंकर जी को पूजा करेंगे, उसी दिन हमने मेहंदी लगाएंगे। तो फिर हम आप लोग को दिखाएंगे कि मेरा मेहंदी कैसा लग रहा है। और कढ़ी पत्ता हम कांचे ही खा रहे हैं। अगर आप लोग के चाहिए तो आइए हमारे वहाँ, तो बोए कढ़ी पत्ता। चलिए तब तक के लिए बाय। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड और हमारे भाई और बहन और छोटे और बड़े सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि हम वीडियो काफ़ी दिन से बना रहे हैं, अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं व्यूज़ बढ़ा है, नहीं सब्सक्राइबर बढ़े हैं और नहीं, बीच में हम तो वीडियो बनाना छोड़ दिए थे, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसीलिए अब सोचे हैं कि ब्लॉग ही बना कर डालेंगे, क्यों नहीं, बेशक धीरे धीरे ही भागे और ब्लॉग बना के डालेंगे। लेकिन भाई और बहन जो भी हैं, हमसे छोटे हैं, बाबू है चाहे बबी हो, चाहे बड़े हैं, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए। हमारे छोटे छोटे हमसे जो छोटे हैं उनके लिए, अब बड़े हैं उनके लिए आशीर्वाद सर झुका के मांगती हूँ, सर झुका के आशीर्वाद मांगती हूँ आप लोग से। और जो छोटे हैं उनके लिए हम तो दे दिए, सुख रहे, शांत रहे, शांत नहीं रहे, अपने भविष्य के बारे में ढूंढते रहे, करते रहे। चलिए बाय, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।